रविवार को खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगर के मुखर्जी चौक पर आभार सभा के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी और नंद कुमार सिंह चौहान के पद चिन्हों पर चलकर संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करूंगा। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आभार सभा के दौरान संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि बागली विधानसभा के लोगों ने हमेशा से ही अपना अटूट विश्वास जताया है। सभा को विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे ने किया। सतवा से जीतू सिंगी की रिपोर्ट। जो 75 साल का भी हमारा कार्यकर्ता आज भी पोलिंग बूथ पर बैठकर पोलिंग एजेंट का काम करता हो, ऐसे हमारे दादा जब वहाँ पोलिंग बूथ पर बैठे हैं तो पार्टी को कभी हार मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आप ही के बीच में कई कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता आप जैसे कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा में पहुंचा है, उसका उदाहरण आपके सामने है। जैसा दीपक भैया ने बोला कि हम कयास लगा रहे थे कि किसको मिलेगा किसको मिलेगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कब किसको कहां से उठाकर लाएगी और किसको सिरमौर बनाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं नहीं है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो आशीर्वाद और जो सहयोग दिया है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत करके एक एक मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।